देखो भाई, टेंथ क्लास का जो है ना फिफ्थ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एपी, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में से। अभी तक हमने जो है ना दो लेक्चर मैंने दिए हैं, एक तो हमने एक्सरसाइज 5.1 कर ली और एक हमने एक्सरसाइज 5.2 हमने कर ली। भाई जो एक्सरसाइज 5.1 है ना, 5.1 के अंदर हमने क्या पढ़ा भाई, 5.1 में हमने पढ़ा सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस क्या होती है। क्या होते हैं सीक्वेंस? आप किसी भी रूल को फॉलो करते हुए कुछ टर्म्स लिख दो या कुछ नंबर्स लिख दीजिए भाई, उस रूल का ही नाम क्या होगा मेरा भाई, सीक्वेंस होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म वो A1 से लिखोगे, सेकंड को A2 से लिखोगे, थर्ड को किससे लिखोगे, A3 से लिखोगे, और जो लास्ट टर्म है ना किसी भी सीक्वेंस की उसको हम AN से लिखते हैं। चाहे इसको लास्ट टर्म को, चाहे इसको nth टर्म को, और चाहे इसको जो है ना जनरल टर्म को भी, किसी भी सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म है उसको an से लिखोगे, इसको लास्ट टर्म को, nth टर्म को या फिर जनरल टर्म को, वो a के बाद है। हाँ, जो फर्स्ट टर्म उसको a1 से लिखोगे। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है ना उसके फर्स्ट टर्म किससे लिखते हैं भाई, A1 से लिखोगे, सेकंड को किससे लिखोगे भाई, A2 से लिखोगे, जो थर्ड उसको किससे लिखोगे, A3 से आप लिखोगे। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है ना, जो 5.1 है उसमें तो हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया भाई कि आप किसी भी रूल को फॉलो करते हुए अगर आप नंबर्स लिख पा रहे हो तो उस रूल का ही नाम क्या होता है मेरा भाई, सीक्वेंस होता है। उसके बाद हमने पढ़ी एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में हमने क्या पढ़ा, 5.2 के अंदर हमने एपी के बारे में पढ़ा कि कोई भी जो सीक्वेंस है ना वो एपी कब कहलाओगी। तो एपी की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी भाई, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसमें क्या खासियत होगी, उसमें खासियत होगी भाई आप उसकी कोई भी दो कंजुकेटिव टर्म ले लीजिए, कोई भी दो लगातार टर्म आप उठा लीजिए, उनमें निकालिए डिफरेंस, तो वो क्या होगा मेरा भाई, सेम होगा। और वो जो डिफरेंस है ना उसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस, और जिसको हम किससे लिखते हैं भाई, डी से हम लिखते हैं भाई। तो जब आपकी एक्सरसाइज 5.2 है ना, तो 5.2 के अंदर कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होगी वो डेफिनेशन आपने पढ़ी भाई, कब होगी एपी में। मान लिया इफ A1 A2 A3 अप टू सोन AN, माने कोई सीक्वेंस है, अगर आपकी ये एपी में है, अगर आपकी किस्में ये एपी में है तो इसमें क्या खासियत होगी भाई, तो डेफिनेशन हमने पढ़ी आप इसकी कोई भी दो कंजुकेटिव टर्म ले लो, कोई भी दो लगातार टर्म उठा लो, उनमें निकालिए डिफरेंस, वो क्या होगा, सेम, यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू होना चाहिए A3 माइनस A2 इक्वल टू भाई A4 माइनस A3 इक्वल अप टू सोन। ये जो डिफरेंस है ना वो आपको क्या होना चाहिए, सेम, और ये जो डिफरेंस है ना इसका नाम था भाई कॉमन डिफरेंस, और जिसको हमने किससे लिखा भाई, डी से हमने लिखा था। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, जैसे 1, 3, 5, 7 अप टू सम, ये जो सीक्वेंस है ना ये आपकी एपी में है। क्यों आपकी ये सीक्वेंस एपी में, क्योंकि आप इसकी कोई भी दो कंजुकेटिव टर्म ले लो, उनमें निकाल लो डिफरेंस, वो क्या रहा है मेरा, सेम आ रहा है। करना एक बार, 3 - 1 - 2, 5 - 3 - 2, 7 - 5 - 2, तो सेम है ना, ये सीक्वेंस आपकी किस में है, एपी में, और वो जो डिफरेंस है ना उसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस, और जिसको हम किससे लिखते हैं भी, डी से। यानी यहाँ पर डी की वैल्यू कौन है मेरी, यहाँ पर डी की वैल्यू है मेरी 2 भाई। उसके बाद जो 5.2 है ना, देखो यहाँ पर आपको सीक्वेंस दी हुई थी, अगर आपको सीक्वेंस ही दी हुई हो और आपको चेक करना हो भाई वो एपी में है कि नहीं है, तो आप ये डेफिनेशन यूज कर लोगे और आपको पता लग जाएगा कि वो सीक्वेंस आपके एपी में है कि नहीं। कैसे, सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस में सेकंड करके देखो, अगर वो सेम है
तो एपी में होगी, अगर वो सेम नहीं है तो वो सीक्वेंस आपकी एपी में नहीं होगी। पर अगर आपको उस सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई हो यानी लास्ट टर्म दी हुई हो और फिर आपको चेक करना हो कि वो सीक्वेंस आपकी एपी में है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? वो हमने पढ़ लिया भाई एक्सरसाइज 5.2 में, कि अगर आपको किसी सीक्वेंस की, अगर आपको सीक्वेंस ही दी हुई है तो आप ऐसे याद ऐसे चेक कर लोगे कि सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड और फोर्थ माइनस में थर्ड, ये जो डिफरेंस है वो सेम हो तो वो सीक्वेंस किस में हो जाएगी? एपी में। पर अगर आपको उस सीक्वेंस की सिर्फ लास्ट टर्म दी हुई हो यानी nth टर्म दी हुई हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है? वो हमने पढ़ा एक्सरसाइज 5.2 में। क्या बेस बता दा भाई, अगर आपको सीक्वेंस की लास्ट टर्म दी हुई हो यानी an, तो आप कैसे चेक करोगे कि वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है? पहला स्टेप क्या था, जो n है ना उसको रिप्लेस करोगे n प्लस 1 से, यानी आपके पास कौन आ जाएगा? an प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद an प्लस 1 में से an को माइनस करोगे, an प्लस 1 में से क्या करना होता भाई, an माइनस, इसकी जो वैल्यू है ना अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ n, यानी उसमें n हो ही ना, उसमें n आपको नजर नहीं आना चाहिए, यानी वो जो वैल्यू है ना वो एक कॉन्स्टेंट आ जाए, कॉन्स्टेंट को इंडिपेंडेंट ऑफ n को a के बाद, तो वो सीक्वेंस किस में होगी? एपी में। अगर इस डिफरेंस के अंदर n आपको नजर आओ ना तो फिर वो सीक्वेंस एपी में नहीं होगी, यानी an प्लस 1 और an का जो डिफरेंस में अगर n नहीं है तो एपी में है, अगर n है तो वो एपी में नहीं है। तो अगर आपको किसी सीक्वेंस की लास्ट टर्म दी हुई है ना या nth टर्म दी हुई हो तो तरीका ये होता है चेक करने का कि वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, यानी an प्लस 1 निकाल लो, उसमें से an को माइनस करो और उसमें n नजर नहीं आना चाहिए तो एपी में होगी, अगर n नजर आ जाए तो एपी में नहीं होगी, और वो जो भी वैल्यू होगी नहीं वही उस सीक्वेंस का कौन होगा, यानी वो जो नंबर आओगा नहीं वही उस सीक्वेंस का कौन होगा भाई, कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने ट्रिक भी पढ़ा था भाई, ट्रिक हमने क्या पढ़ा था, ट्रिक हमने ये पढ़ा था अगर किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म है ना, अगर किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म वो लीनियर इन n हो, यानी उसमें n की मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी उसकी जो nth टर्म है ना वो ऐसी हो an यानी a इंटू n प्लस b, यानी उसकी जो nth टर्म है ना वो n में लीनियर हो, यानी उसमें n की पावर कौन हो, 1 हो, तो फिर तो पक्की बात है चाहे आप चेक भी मत करो वो सीक्वेंस एपी में होगी ही होगी, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन होगा भाई, जो n का कोफिशियंट वो उसका कौन होगा, कॉमन डिफरेंस हो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया भाई, अब आज आप पढ़ोगे एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में क्या भाई, देखो 5.2 में तो लास्ट टर्म दी हुई थी और आपको चेक करना था कि वो एपी में है कि नहीं है, तो तरीका हमने ये अपना लिया। अब आपको सीक्वेंस ही दी मिलेगी, अब आपको क्या भाई सीक्वेंस ही दी मिलेगी और आपको चेक करना है कि वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, तो आप ऐसे कर लोगे सेकंड में से फर्स्ट कर दोगे माइनस और थर्ड में से सेकंड करके देखोगे, फोर्थ में से थर्ड करोगे और वो जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम, अगर वो सेम आ जाए तो एपी में होगी, अगर वो सेम नहीं आओ तो एपी में नहीं होगी, और वो जो भी डिफरेंस आओगा उसका नाम मेरा क्या होगा भाई, डी होगा। हाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सीक्वेंस है ना अगर वो खाली सीक्वेंस हो तो उसके फर्स्ट टर्म A1 से लिखते हैं, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। अगर वो सीक्वेंस एपी में हो, अगर वो सीक्वेंस किस में हो, एपी में हो, तो फिर उसके फर्स्ट टर्म जो है ना आप A से लिखोगे, फर्स्ट टर्म किससे लिखोगे, A से। जो कॉमन डिफरेंस है वो तो आपको D से लिखना ही है, जो कि हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके। तो आज जो एक्सरसाइज है ना 5.3 उसमें तो आपको सीक्वेंस ही दी मिलेगी और खुद का होगा वो कि ये सीक्वेंस एपी में है
और इसके फर्स्ट टर्म बताओ, तो जो आप इसके फर्स्ट टर्म वो लिख दोगे, आप फर्स्ट टर्म एपी की ए से लिखोगे, हाँ उसका बोल देगा जो कॉमन डिफरेंस है वो बताओ, तो वो सेकंड माइनस में फर्स्ट करके निकाल लेंगे, तो कुछ भी नहीं है भाई। एक चीज और मैं आपको बता दूं जो आज भी यूज होगी आपकी भाई, एक होती है जनरल टर्म या nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, किसका नाम होता है भाई, ए एन का नाम होता है। एक होती है जर्नल एपी, दोनों में फर्क है भाई। जर्नल टर्म अलग चीज है, जर्नल एपी अलग चीज है। जर्नल टर्म तो आपकी एन को बोलते हैं, अब जर्नल एपी कौन होती है, जर्नल एपी होती है ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी अप टू सम, इसका नाम कौन है मेरा भाई, जर्नल एपी है। और जब भी वो ये कहो ना फाइंड दी एपी, यानी आपको ये वाली चीज बतानी है, ये होती है वो एपी, ए ए प्लस डी, ए प्लस में टू डी, ए प्लस में थ्री डी अप टू सम। ये ए कौन है, ये ए उस एपी की फर्स्ट टर्म है, ये डी कौन है मेरा, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालोगे, सेकंड माइनस में फर्स्ट करके निकालोगे, कर लोगे ये। एक चीज और भाई, ये भी कई बार यूज होगी, मान ले बोल देगा कोई सीक्वेंस है वो एपी में है, उसकी पहली चार टर्म ये हैं या पहली तीन टर्म ये हैं, चौथी बताओ, तो इसमें डी जोड़ दो चौथी आ जाएगी, इसमें डी जोड़ोगे पांचवी। मतलब अगर कोई सीक्वेंस एपी में है ना और आपको पहली तीन टर्म पता है, तो चौथी कौन होगी, तीसरी में डी जोड़ो। अब इसमें जब डी जोड़ दो ए प्लस में थ्री डी आ गया, इसमें डी जोड़ोगे तो अगली टर्म आ जाएगी। यानी अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो आप उसके टर्म के अंदर डी जोड़ते रहो, अगले अगले टर्म आती रहोगी। तो आज वाली जो एक्सरसाइज है ना, उसमें आपको एक सीक्वेंस डी मिलेगी और वो सीक्वेंस आपको चेक करनी है एपी में है कि नहीं है। अगर आपको nth टर्म दी हुई हो तो आपका वो फिर 5.2 का क्वेश्चन हो गया, फिर तो वो an+1 निकालोगे, फिर उस an+1 में तो an माइनस करोगे। अगर उसमें n ना हो तो एपी में होगी, अगर उसमें n नजर आ जाए तो वो एपी में नहीं होगी। हाँ अगर आपको सीक्वेंस ही दी मिले और फिर आपको चेक करना हो एपी में है कि नहीं है, फिर तो आप सेकंड में फर्स्ट माइनस करके देखो, थर्ड में से सेकंड माइनस करके देखो, वो सेम आना चाहिए। आने एक बार एक्सरसाइज है 5.3 है भाई, देखो क्या कहो है, पढ़ना फर्स्ट क्वेश्चन एक बार। फर्स्ट में लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी की बात है, जो जो एपी आपको दी हुई है ना, इन एपीज की एक तो आपको फर्स्ट टर्म ए बतानी है। देखो एपी के फर्स्ट टर्म हम ए से लिखते हैं ना, और एक कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। जैसे मैं आपको करवा दूं, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट करवा दूं, एक्सरसाइज है मेरी मेन 5.3 है। देखो एक बार फर्स्ट के फर्स्ट में जो एपी है वो कौन है, एपी आपको दी हुई है भाई माइनस का 5 माइनस 1 उसके बाद 3 उसके बाद 7। इसमें आपको चेक नहीं करना एपी है कि नहीं है, वो खुद ये को है कि एक एपी है ये, तो पक्की बात है सेकंड माइनस में फर्स्ट और थर्ड माइनस में सेकंड इक्वल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कहो ये कोई एपी है और आप इस एपी के फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। अब फर्स्ट टर्म एपी के हम किसे लिखते हैं, ए से, सीक्वेंस की ए वन से लिखोगे और एपी की ए से लिखोगे, तो लिख दो फिर भी, तो ए इक्वल टू कौन इसके फर्स्ट, माइनस का 5। और हमने क्या बताना, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से लिखते हैं, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस में फर्स्ट, तो सेकंड आपके माइनस 1 और माइनस करने फर्स्ट। अब दो माइनस इकट्ठा हो गए ना, तो साथ में लगाओगे ब्रैकेट, सेकंड माइनस फॉर्मूले वाली और फिर फर्स्ट, करना एक बार सॉल्व इसको, तो आपका बने माइनस 1 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 5, तो 5 में से 1 गया तो 4 आ गया आंसर। और देखो भाई ये तुम कर लोगे सारे, बिल्कुल आसान है ये तो। जैसे इसका फोर्थ पार्ट है भाई, फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट,
इसमें जो आपकी एक पी है ना, एक पी है मेरी भाई, उसमें आपकी ट्रम है -1.1, -3.1, -5.1 अप टू सोन, ये है भाई। और आपने इस एपी के फर्स्ट ट्रम और जो कॉमन डिफरेंस है वो बताना है। तो लिख दो फिर, कुछ भी नहीं, कौन इसके फर्स्ट ट्रम -1.1 लिख दो फिर, ए इक्वल टू कौन है -1.1। एक आपको क्या बताना, कॉमन डिफरेंस लिखो, वो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे, करना सेकंड में फर्स्ट माइनस, तो माइनस का 3.1 माइनस फर्स्ट, एक माइनस है फर्स्ट का तो प्लस हो जाएगा। अब करो इनको, माइनस का 3.1 और 1.1 माइनस करना है ना, 1 में से 1 का 0, 0.3 में से 1 गया 2। अब माइनस का नंबर बड़ा है ना, प्लस का छोटा है, तो माइनस ही आओगी, और पॉइंट के बाद 0 लिखे ना लिखे बराबर बात हो, इसको हटा दो, यानी माइनस का 2 ही आ गया मेरा ये, तो कौन होगा कॉमन डिफरेंस, माइनस का 2। और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में आना, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, राइट दी एपी, इसमें लिखा हो राइट दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी आपको लिखनी है। अब जिसको यही नहीं पता हुआ कि एपी होती क्या है, वो तो लिख ही नहीं पावे, क्या होती है एपी भाई, एपी मेरी होती है, बता दे मैंने आपको, जब भी कहो ना एपी लिखो, यानी आपको यह वाली चीज लिखनी है, ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D अप टू सोन, इसका नाम क्या है मेरा भाई, एपी है, ए ए प्लस में डी, ए प्लस में 2D। यानी जब भी आपको एपी लिखनी हो ना, तो आपको दो चीज चाहिएगी, एक तो ए चाहिएगा और एक डी। यो ए कौन है, ए होती है फर्स्ट टर्म, और डी कौन है, कॉमन डिफरेंस, जो कि आप कैसे निकालोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें तो आपको डायरेक्ट ए और डी दिए हुए हैं, ए और डी आपको गिवन ही है भाई। जैसे मैं आपको सेकंड का फर्स्ट करवा दूं, तो जो सेकंड का फर्स्ट है ना, इसमें ए है मेरा 4 है भाई, ए कौन है मेरा 4, और डी है मेरा भाई माइनस का 3 है भाई, और आपको एपी लिखनी है, ये रही एपी, लिख दो फिर, तो देर फोर एपी, तो एपी कौन होगी मेरी भाई, एपी मेरी बनेगी, लिखो ए, ए है मेरा 4, उसके बाद ए प्लस में डी करना है ना, करो ए प्लस में डी, 4 में से 3 गया 1। उसके बाद फिर आपको ये नहीं देखना, ये एपी है ना, आप इसमें डी जोड़ोगे अगली टर्म आ जाएगी, उसमें डी जोड़ोगे अगली, या फिर इसको देख देख कर लिख दो, इसमें डी जोड़ो, 1 में से 3 करो माइनस, माइनस का 2, अब इसमें फिर डी जोड़ो, वैसे आप घटा रहे हो, माइनस का 2 में डी जोड़ना है, और डी कौन है माइनस, तो माइनस का 5 बनेगा, माइनस का 5, इसमें फिर डी जोड़ दो अगली टर्म आ जाएगी, यानी ये हो गया आपकी एपी। और देखो जैसे, और बाकी तुम कर लेना भाई, ए आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, और एपी लिखनी है, ये रही मेरी एपी, यानी फर्स्ट टर्म, उसके बाद फर्स्ट में क्या जोड़ोगे, कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड आ जाएगी, फिर सेकंड में जोड़ोगे कॉमन डिफरेंस, तो थर्ड आ जाएगी, इसमें जोड़ोगे कॉमन डिफरेंस, तो अगली टर्म आ जाएगी, जो थर्ड है वो बाद में करेंगे भाई, पहले तुम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार, फोर्थ में क्या कहो है, फोर्थ में वो ये कहो है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी एपी आपको दी हुई है भाई, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें एपी दी हुई है आपको, और इन एपीज का एक तो आपको क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस, और साथ में आपने जो है ना, जहां तक की टर्म लिखी हुई है ना, उससे अगली 4 टर्म भी बतानी है। तो जैसे फोर्थ का फर्स्ट ही है भाई, तो फोर्थ के फर्स्ट में लिखा हुआ 1, माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 8 अप टू सोन, ये एपी है मेरी भाई, और आपको इस एपी का एक तो क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, क्या वैसे बताया है, तो सेकंड माइनस में फर्स्ट कर लो,
या थर्ड माइनस में सेकंड या फोर्थ माइनस में थर्ड, कोई सा कर लो वही मेरा कौन होगा कॉमन डिफरेंस। हाँ ऐसा नहीं करना देखो फर्स्ट माइनस में सेकंड करे पाओ, नहीं सेकंड माइनस में फर्स्ट या फिर थर्ड माइनस में सेकंड, वही मेरा कौन होगा कॉमन डिफरेंस। देयर फोर कॉमन डिफरेंस ये कर लो सेकंड माइनस का टू है और माइनस करोगे फर्स्ट वो वन है तो कितना आ जाएगा भाई माइनस का थ्री आ जाए, माइनस का टू माइनस का वन माइनस का थ्री आ गया। अब इसके बाद और क्या कहा है इस एपी के अंदर जहाँ तक की टर्म लिखी हुई है ना उससे अगले चार टर्म और बताओ। अगले चार मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ है ना, यानी आपको फिफ्थ सिक्स सेवंथ और एट्थ टर्म और बतानी निकाल दो। अब फिफ्थ को किसे लिखोगे ए फाइव से, तो फिफ्थ टर्म क्या बेस बताया है एपी के अंदर, अगर आपको अगली टर्म बतानी है ना तो पिछली के अंदर क्या जोड़ दो डी जोड़ दो, यानी इससे पिछली कौन है फोर्थ है ना इसमें डी जोड़ो तो फिफ्थ आ जाएगी। अब माइनस एट के अंदर डी कौन है माइनस का तीन जोड़ दो, माइनस एट माइनस का तीन माइनस का ग्यारह। अब मान लिया आपको सिक्स निकालनी है तो फिफ्थ के अंदर डी जोड़ दो तो सिक्स आ जाएगी, जोड़ना एक बार माइनस इलेवन माइनस का तीन कितना बनेगा भाई माइनस का फोर्टीन। अब मान लिया आपको सेवंथ बतानी है तो सिक्स के अंदर डी जोड़ दो तो सेवंथ आ जाएगी, यानी माइनस का फोर्टीन और डी कौन है माइनस का थ्री यानी माइनस का एक, आपको एट्थ हो तुम निकाल ली तो इनमें तो कुछ नहीं है भाई। तो जो क्वेश्चन नंबर फोर है ना वो तुम कर लोगे अपने आप भाई। अब क्वेश्चन नंबर फाइव में आना भाई, जो क्वेश्चन नंबर फाइव है ना कल जो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था वो आपने प्रूव करना है इसके अंदर। क्या ट्रिक मैंने आपको बताया था भाई, अगर आपको किसी सिक्वेंस की nth टर्म दी हुई है और वो जो nth टर्म है ना वो लीनियर है, कैसे है वो लीनियर है तो पक्की बात वो जो सीक्वेंस है ना वो एपी में होगी ही होगी, वो जो सीक्वेंस है वो एपी में क्या होगी ही होगी और उसका कॉमन डिफरेंस कौन होगा भाई जो एन का कोफिशियंट है वही मेरा कौन होगा उसका कॉमन डिफरेंस। अब आपने ये बात प्रूव करनी है तो क्या कहो है भाई, तो कोई सीक्वेंस है उसके जो nth टर्म है ना क्वेश्चन नंबर फाइव है भाई, इसके जो nth टर्म जिसको हम ए एन से लिखते हैं भाई कौन है वो मेरी ए प्लस एन बी है भाई, ए प्लस एन बी। और आपको प्रूव करना भाई ये सीक्वेंस आपकी एपी में होगी ही होगी और उसका कॉमन डिफरेंस जो एन का कोफिशियंट है ना वो होगा। अब क्या बेस बता रखे हैं, अगर आपको किसी सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई हो और आपको चेक करना हो कि वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है तो क्या बेस होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे ए एन प्लस वन निकालोगे, फिर ए एन प्लस वन मत ए एन माइनस करोगे, अगर उसके अंदर एन आपको नजर नहीं आता तो पक्की बात वो सीक्वेंस एपी में होगी और अगर एन नजर आ जाए तो एपी में नहीं होगी। देखो ना फिर वो अप्लाई तरीका, तो एन टर्म ये है और आपको चेक करना है कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है तो सबसे पहला स्टेप ये था रिप्लेस एन बाई एन प्लस वन, तो देर फोर करो एन को एन प्लस वन तो रिप्लेस, यहाँ तो ए एन प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ भी करो रिप्लेस ए प्लस एन प्लस वन इन टू में कौन डी तो है मेरा, इसके बाद ए प्लस करो अंदर मल्टीप्लाई एन बी प्लस में बी भाई, यानी आपका कौन आ गया एन प्लस वन, ए एन प्लस वन मेरा आ गया भाई ए प्लस एन बी प्लस में कौन बी। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है ए एन प्लस वन में तो एन माइनस करोगे तो नाउ ए एन प्लस वन में तो ए एन करोगे माइनस, ये आपका ए एन प्लस वन लिखो एक बार ए प्लस एन बी प्लस बी, इसमें से माइनस करोगे एन, एन कौन है ए प्लस में एन बी, अब बाहर माइनस है और जो चीज आप इसके आगे लिख रहे हो ना उसमें एक से ज्यादा टर्म है तो साथ में लगाओगे ब्रैकेट, लिखो एन कौन है मेरा ए प्लस
एन बी। अब करना सिंपलीफाई भाई, तो ए प्लस एन बी प्लस बी, ले जाओ माइनस को अंदर, तो माइनस ए और माइनस का कोण एन बी, एन बी तो एन बी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ए से ए क्या हो गया कैंसिल, यानी कोण आ गया मेरा प्लस का बी आ गया। तो क्या कोई सी डिफरेंस के अंदर कहीं एन नजर आवे, नहीं है ना इसके अंदर एन, तो पक्की बात है जिस भी सीक्वेंस की ये एनथ क्रम है ना वो सीक्वेंस एपी में होगी ही होगी। तो लिख दो इक्वल टू कौन कॉन्स्टेंट लिख दो या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एन, यानी जो डिफरेंस है ना वो कौन अभी इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, तो पक्की बात है वो जो सीक्वेंस है वो किस में होगी भाई एपी में होगी ही होगी। तो लिख दोगे और वो जो डिफरेंस आया ना वही कौन होगा कॉमन डिफरेंस होगा, देयरफॉर तो सीक्वेंस इज एन एपी, तो जो सीक्वेंस है वो क्या भाई एपी है विद कॉमन डिफरेंस, कौन होगा भाई जो ये डिफरेंस बी, और वही हमने प्रूव करना था कि अगर आपको किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म है ना वो ये हो तो वो एपी में होगी होगी तो होगी एपी में। तो इसके बाद और उसका कौन होगा कॉमन डिफरेंस जो n का कोफिशियंट है, देखो भाई सीधी सी बात है अगर आपको सीक्वेंस ही दे रखे हो ना, अगर आपको सीक्वेंस ही दी हुई है और आपको चेक करना हो कि वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, फिर तो आप सेकंड मत फर्स्ट माइनस करो, थर्ड मत सेकंड माइनस करो, और वो जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए सेम, अगर वो सेम आ जाए तो एपी में होगी, अगर वो सेम नहीं आता तो एपी में नहीं होगी। हाँ अगर आपको किसी सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है ना, यानी लास्ट टर्म दी हुई है और फिर आपको चेक करना हो कि वो एपी में है कि नहीं है, तो प्रोसीजर आपको ये अपनाना पड़ेगा, यानी सबसे पहला स्टेप n को n प्लस वन तक करोगे रिप्लेस, उसके बाद ए एन प्लस वन मत है ए एन माइनस करोगे, उसको सोल्व करोगे, वो जो भी चीज आओ ना अगर उसके अंदर n नहीं है तो एपी में होगी, अगर उसके अंदर n है तो फिर वो एपी में नहीं होगी। अब इसके अंदर n नहीं आना ये एपी में होगी, और इसका कौन होगा कॉमन डिफरेंस, जो नंबर आ गई उसका कौन हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। और ये तो आपको याद भी करना है भाई, कि याद क्या करना है जो हमने वो ट्रिक पढ़ा ना कि अगर आपको किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म है ना वो n में हो लीनियर और उसमें n की पावर 1 हो फिर तो आपको चेक ही नहीं करना, फिर तो वो एपी में होगी ही होगी, और उसका कौन होगा कॉमन डिफरेंस n का कोफिशिएंट। अब ये बात हमने प्रूव भी कर दी, तो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था भाई कि कोई सीक्वेंस है उसके nth टर्म ये है और प्रूव करो वो एपी में होगी, तो कर दी हमने प्रूव। सिक्स में आना एक बार भाई, देखो सिक्स में वो क्या को है, सिक्स में लिखा हुआ फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी एपी हैं और कौन कौन सी एपी नहीं है, फॉर दोज विच आर एपी, अगर एपी हो तो फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, यानी सीक्वेंस दी है आपके पास, जैसे हम आपको करवा दे पहले आसानी देखो एक बार, सिक्स का फर्स्ट है भाई, सिक्स के फर्स्ट में जो सीक्वेंस है ना वो आपकी थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर अप टू सेवन, ये कोई सीक्वेंस है और आपको चेक करनी है कि ये एपी में है या नहीं है, ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो क्या बस बताया है अगर आपको सीक्वेंस ही दी हुई हो ना और आपको चेक करनी हो एपी में है कि नहीं है, फिर तो कैसे चेक करोगे, सेकंड में फर्स्ट माइनस करोगे, थर्ड में से सेकंड करोगे, फोर्थ में से थर्ड करोगे, और वो जो डिफरेंस है वो कहना चाहिए सेम, अगर वो सेम आ जाए तो एपी में होगी, अगर वो सेम नहीं आता तो फिर वो एपी में नहीं होगी। तो कर लो चेक, फर्स्ट कौन है अभी, फर्स्ट है मेरी थ्री, सेकंड कौन है इसको ए टू से लिखोगे सिक्स, थर्ड टर्म कौन है मेरी 12 है ना, अब करो माइनस तो ए टू माइनस ए वन, सेकेंड में तो फर्स्ट करोगे 6 माइनस में 3 3 है ना, और थर्ड में से करोगे सेकेंड माइनस ए 3
माइनस ए टू, तो 12 माइनस 6 होगा। तो क्या ये डिफरेंस आपका सेम आया? सेम नहीं है ना, यहाँ तो 3 आया, यहाँ पर कौन आया 6, तो ये जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं होगी। तो लिख दो कि देयर फोर ए टू माइनस ए वन इक्वल टू नहीं है भाई ए थ्री माइनस ए टू, तो देयर फोर नॉट एपी, तो एपी में ये नहीं होगी। फिर और देखो, जैसे बस आपको यही फर्क समझना है कि अगर सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई हो और आपको चेक करना हो एपी में है कि नहीं है, तो तरीका अलग होगा। फिर तो वही तरीका चलेगा, पहले n को n प्लस वन तक रिप्लेस करो, फिर an प्लस वन मत an माइनस करो। हाँ, अगर आपको सीक्वेंस ही दे दें और फिर कहो चेक करो एपी में, तो तरीका ही अपनाओगे। और देखो, जैसे भाई जैसे मान लिया आपका कोई सा कर लो, सारे बराबर बात है। जैसे मान लिया मैं आपको करवा दूं, थोड़ा सा मुश्किल देखो एक बार, जैसे फर्स्ट का सिक्स के फर्स्ट तो करवा दे मैंने आपको, जैसे फोर्थ देखो एक बार, फोर्थ पार्ट, फोर्थ में जो सीक्वेंस है वो कौन है मेरी, ट्वेल्व टू माइनस में एट माइनस में 18 अप टू सोन, और हमने चेक करना है ये सीक्वेंस आपकी एपी में है कि नहीं। अब आपको सीक्वेंस ही जो है ना, तो कैसे चेक करोगे, सेकंड में तो फर्स्ट करोगे माइनस और थर्ड में से सेकंड करोगे माइनस, और वो जो डिफरेंस वो कहना चाहिए सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म कौन है मेरी भाई, 12, सेकंड कौन है भाई 2 है मेरी, थर्ड कौन है मेरी माइनस का 8 है भाई, तो करना माइनस ए टू माइनस ए वन, देखो क्या बनेगा, 2 माइनस में 12, 2 माइनस में 12 यानी माइनस का 10 हो गया, और थर्ड में से करोगे सेकंड माइनस भाई, थर्ड में से क्या करोगे सेकंड करोगे माइनस, थर्ड है मेरी माइनस का 8 और माइनस करोगे सेकंड, वो आपकी 2 है भाई। तो ये आपका देखो सेम आया, यहाँ माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस का 10 आ गया ना। देखो यहाँ पर भी वही है डिफरेंस और यहाँ पर भी वही है डिफरेंस, यानी ये सीक्वेंस आपकी एपी में होगी। तो लिखोगे देयरफॉर ए टू माइनस ए वन इक्वल टू कौन है भाई ए थ्री माइनस ए टू, तो देयरफॉर आपकी बार तो एपी में होगी, और वो जो डिफरेंस आया है ना वही आपका उस एपी का कौन होगा, कॉमन डिफरेंस। इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले चेक करो कि सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, अगर एपी में हो तो उसका क्या निकालो, कॉमन डिफरेंस। अब है ना एपी में तो निकालना पड़ा कॉमन डिफरेंस, और वो कौन होगा, वो ये होगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो कौन होगा कॉमन डिफरेंस, वो आपका माइनस का 10 ही बनेगा। जैसे इसका लास्ट पार्ट है भाई, लिख तुम लियो, मैं आपको खाली बता दूं, सीक्वेंस 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 अप टू सोन। अब हमने चेक करना है कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, तो करोगे चेक, क्या करोगे, थोड़ा इनको सिंपलीफाई कर लोगे। सिंपलीफाई मतलब डेट इज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 अप टू सोन। देखो एक बार, सेकंड माइनस में फर्स्ट 24 है, थर्ड माइनस में सेकंड करना एक बार माइनस, कितना बनेगा 9 में तो 5 गया 4, तो 24 है, थर्ड माइनस में सेकंड योर कर लो जलब की बार, तो 13 में 9 गया 4 और 6 में से 4 गया। देखो सेम है ना डिफरेंस, और ये जो सीक्वेंस है वो किस में होगी, एपी में। लिख आप लियो कि ए वन ए टू और ए थ्री, ए टू में तो ए वन करोगे माइनस 24 आ जाएगा, ए थ्री में से ए टू करोगे माइनस वो भी 24, इक्वल है ना, तो एपी में होगी। उसके बाद हमें एक और कर लो, चलो इसी में से देखो मैं आपको करवा दूं, इससे सारे आसान ही है भाई, एक आध आप सिंप्लीफाई करके भी कर लोगे। जैसे
सिक्स का टेंथ पार्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर सिक्स इसका टेंथ है। इसमें वो एक है सीक्वेंस आपकी, फर्स्ट टर्म मेरी ए प्लस बी है भाई, सेकंड है भाई कोमास के बाद नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाएगी ए प्लस वन प्लस बी है भाई, उसके बाद थर्ड टर्म आपकी है ए प्लस वन प्लस बी प्लस वन है भाई, उसके बाद नेक्स्ट चलो मैं लिखता नहीं, तीन से ही चेक हो जाएगा एपी में है या नहीं है, तीन टर्म ये काफी आपके लिए चेक करने के लिए। अब आपको बताना है कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, सेकंड में तो फर्स्ट करोगे माइनस और थर्ड में से सेकंड करोगे माइनस, और वो जो डिफरेंस वो कहना चाहिए मेरा सेम आना चाहिए भाई, तो करना माइनस। अब फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म है भाई ए प्लस बी, सेकंड कौन है मेरे जिसको ए टू से लिखोगे, ये ना आपकी सेकंड पूरी पूरी यानी ए प्लस वन प्लस बी है भाई, और थर्ड कौन है मेरी, थर्ड मेरी ये है ना, थर्ड मेरी टर्म है भाई ए थ्री है मेरी ए प्लस वन प्लस बी प्लस वन। अब करो माइनस, सेकंड में तो फर्स्ट करोगे माइनस, तो नाउ ए टू माइनस ए वन, करना एक बार माइनस भाई ए टू मेरी ये है ना ए प्लस वन प्लस बी, और इसमें से माइनस करोगे फर्स्ट, फर्स्ट मेरी कौन ए प्लस बी। अब एक से ज्यादा टर्म थी ना और बाहर माइनस लिखनी थी तो लगानी पड़ेगी ब्रैकेट, तो फर्स्ट ना सेकंड माइनस में फर्स्ट, करना सोल एक बार, तो ये बनेगा भाई ए प्लस वन प्लस बी, माइनस को अंदर ले जाओगे ले जाओ माइनस को अंदर, तो माइनस ए माइनस में बी, अब माइनस ए तो प्लस ए कैंसिल हो गया, बी से बी मेरा क्या हो गया कैंसिल, यानी इक्वल टू कौन आया भाई वन आया, यानी सेकंड माइनस में फर्स्ट कौन आया वन, उसके बाद क्या करोगे थर्ड में से सेकंड करोगे माइनस, करोगे तो ए थ्री माइनस ए टू, वो भी आपका वन ही आना चाहिए, तो एपी में होगी वरना एपी में नहीं होगी। अब थर्ड माइनस में सेकंड करना, थर्ड है मेरी ए प्लस वन प्लस बी प्लस वन माइनस में भाई, सेकंड कौन है ये है ना, अब बाहर माइनस है और एक से ज्यादा टर्म है इसके अंदर, तो लगाओगे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट ए प्लस वन प्लस बी, करना सोल एक बार, माइनस को ले जाओगे अंदर तो ए प्लस वन प्लस बी प्लस वन, ले जाओ माइनस को अंदर, तो माइनस ए माइनस वन माइनस का बी, अब कौन किसे कटेगा, ए से ए कैंसिल हो गया बी से बी भाई, माइनस वन तो प्लस वन कैंसिल, यानी एक वन आपका बच गया ना, और ए टू माइनस ए वन भी आपका वन है, और ए थ्री माइनस ए टू भी कौन है मेरा वन, तो सेम है ना डिफरेंस, यानी ये जो सीक्वेंस वो किस में होगी एपी में होगी, और वो जो आपका है डिफरेंस वही कौन होगा मेरा कॉमन डिफरेंस, देखो देर फोर ए टू माइनस ए वन इक्वल टू कौन आ गया भाई ए थ्री माइनस ए टू आ गया ना, तो देर फोर जो सीक्वेंस वो किस में होगी एपी में होगी विद कॉमन डिफरेंस इज कौन वन होगा आपको, तो इनमें कुछ भी नहीं है भाई, अगर आपको सीक्वेंस ही दी हुई हो ना और आपको को चेक करो एपी में है कि नहीं है, तो आपको सेकंड माइनस में फर्स्ट और थर्ड माइनस में सेकंड, अगर वो सेम आ जाए तो एपी में होगी, अगर वो सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगी। हाँ अगर आपको सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है ना और तो आपको चेक करना हो एपी में है कि नहीं, तो फिर वो जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा फिर वो प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा, यानी एन को रिप्लेस करोगे एन प्लस वन, फिर ए एन प्लस वन मत ए एन माइनस करोगे, अगर उसके अंदर आपको एन नजर नहीं आता तो एपी में होगी, अगर आपको एन नजर आवे तो एपी में नहीं होगी, बाकी आप कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर सेवन में आना एक बार,
सेवंथ में देखो क्या कहो, सेवंथ में वो ये कहो भाई फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ये जो एपी आपको दी हुई है ना इनके के बताओ कॉमन डिफरेंस, यानी अबकी बार आपको चेक नहीं करना कि एपी में है या नहीं, वो खुद कहोगी एपी में तो है, खाली क्या बताओ कॉमन डिफरेंस। तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस में फर्स्ट या फिर थर्ड माइनस में सेकंड, वो जो होगा। और राइट द नेक्स्ट टू टर्म, यानी जहाँ तक कि उसमें टर्म्स लिखी हुई है ना उससे अगली दो टर्म और बताओ। और क्या अभी बता दिया, अगर आपको एपी के अंदर जिस टर्म तक अगली टर्म लिखनी है ना उस टर्म में आप उसका जोड़ दो कॉमन डिफरेंस, अगली टर्म आ जाएगी। फिर भी चलो मैं आपको ये करवा दूँ, जैसे आपके सेवंथ का फर्स्ट है, सेवंथ का फर्स्ट इसमें एपी कौन है, चेक नहीं करनी खुद का एपी है 51। या मैं आपको फोर्थ करवा दूं, चलो एक ही बात है फोर्थ तुम कर लेना भाई 51 59 67 और 75 अप टू सम। और आपको जो है ना इस एपी की क्या बताना कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, सेकंड में तो फर्स्ट माइनस करोगे, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जिसको डी से लिखते हैं वैसे हम, तो सेकंड में तो फर्स्ट करोगे माइनस, माइनस में 51 क्या बनेगा भाई 8 बन गया, ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। उसके बाद जहां तक इसमें टर्म्स लिखी हुई है ना उससे अगली दो टर्म और बतानी है, कहां तक की है फोर्थ तक है ना, यानी फिफ्थ और सिक्स टर्म बता। तो फिफ्थ टर्म आप किससे लिखोगे, A5 से लिखोगे। आप क्या बेस बता दिया, आप फोर्थ के अंदर ये कॉमन डिफरेंस जोड़ दो तो फिफ्थ आ जाएगी, जोड़ने के बाद 75 में 8 जोड़ो एक बार तो 83 में। और सिक्स आप कैसे निकालोगे, फिफ्थ टर्म के अंदर डी जोड़ दोगे तो सिक्स आ जाएगी, डी जोड़ो उसके अंदर यानी 83 प्लस में 8 कुछ प्रॉब्लम आपको दी हुई है और आपने बताना है कि वो जो प्रॉब्लम है ना वो आपकी एपी बनाती है कि नहीं बनाती है, उन प्रॉब्लम को जब आप सोल्व करोगे तो वो एपी बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। जैसे आपके थर्ड का फर्स्ट है भाई, थर्ड का फर्स्ट स्टेटमेंट में एक बार लिख दूं, वो ये कहता कोस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर ए वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150 रुपीज, 150 रुपीज एंड राइजेज बाय एंड राइजेज बाय 20 रुपीज, 20 रुपीज फॉर ईच सक्सेसिंग SUC DI मीटर में। पढ़ना है क्या लिखा हुआ है वो आपको ये कहो भाई, कोई वेल खोदना है, कोई कुआ खोदना भाई, उस कुआ को खोदने पर जो कॉस्ट है ना जो खर्च है वो किस प्रकार है भाई, जो पहला मीटर है ना एक मीटर तक मान लिया, यहाँ पर आपकी अर्थ है भाई, अर्थ से मान लिया आपने एक मीटर खोदा तो उसके आपको जो है ना 150 रुपीज मिलेंगे, उसके आपको क्या मिलेंगे 150 रुपीज। उसके बाद एंड राइजेज बाई 20 रुपीज फॉर ईच सक्सेसिंग मीटर, यानी उसके बाद हर एक मीटर के ऊपर आपके 20 रुपीज क्या हो जाएंगे भाई, राइज माने बढ़ जाएंगे। मतलब कोई कुआ आपने खोदना है, जब आप उसको एक मीटर खोदोगे ना
पहला जो 1 मीटर आपने खोदा तो उसके आपको मिलेंगे 150, उसके बाद अगले मीटर में जो है ना 20 और फालतू मिलेंगे, यानी आपको मिलेंगे 170, अगले 1 मीटर में और आपके 20 बढ़ जाएंगे, यानी आपको कितने मिलेंगे भाई 190। अब कुछ सही है क्या ये जो प्रॉब्लम है ना, एक पी बनाती है। हाँ एक पी है, क्यों एक पी? देखो भाई सेकंड माइनस में फर्स्ट 20 का डिफरेंस है, थर्ड माइनस में सेकंड 20, तो वहाँ ए पी बनाती है ये प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है भाई, अब पेपर में लिखोगे कैसे, ऐसे लिख दियो भाई, तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150 एंड राइजेज बाई 24 ईच, जो नुकन लिख दोगे तो देयर फॉर सीक्वेंस ऑफ रुपीज फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इज, तो सीक्वेंस इस प्रॉब्लम तो क्या बनेगी, वो ये बनेगी, जब पहला मीटर है ना उसके आपको मिले 150, फिर इससे अगला मीटर जब आप डिगिंग करोगे तो आपको मिलेंगे 20 और फालतू मिलेंगे, यानी 170, उससे अगले 1 मीटर के लिए और 20 बढ़ जाएंगे आपके 190। तो क्या ये जो सीक्वेंस बनी है रुपीज की, क्या ये एपी है? हाँ एपी है, क्यों एपी? सेकंड माइनस में फर्स्ट और थर्ड माइनस में सेकंड सेम है भाई। अरे A1 कौन है मेरा, A1 है मेरा 150, A2 कौन है भाई 170, A3 मेरा कौन है भाई, A3 है मेरा 190, तो कर लो माइनस से, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 सेम नहीं है, 20 है, देयरफॉर A2 माइनस A1 इक्वल टू कौन है भाई A3 माइनस A2, तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है AP बनाती है, तो देयरफॉर दिस प्रॉब्लम इज फॉर्मड इन, ये जो प्रॉब्लम आपकी क्या बनाती है भाई, फॉर्मड इन AP, तो ये आपकी AP बनाती है। फिर ये और देखो, जैसे थर्ड का सेकंड है भाई, थर्ड का जो सेकंड है ना इसमें वो क्या कहो भाई, उसमें इसमें आपको ये कहो है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन, जी चलो वो लिख दो एक बार आपको समझ में आ जाएगी, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, टू एन ए वैक्यूम पंप, रिमूव ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर में, पढ़ना एक बार क्या कहो है आपको, ये कहो है कोई सिलेंडर है भाई, उस सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर है प्रेजेंट में, उसका 1/4 वैक्यूम पंप से रिमूव करवा दे भाई, क्या करवा दी हमने, बाहर निकाल दी, और जो बची हुई एयर है ना, जो बच जाती है एयर, तो क्या वो बची हुई एयर आपकी एपी बनाती है कि नहीं है, ये आपको बताना है कि कोई सिलेंडर है भाई, उस सिलेंडर के अंदर हमने नहीं पता कितनी एयर है, जितनी भी एयर है उसका 1/4 आप हर बार बाहर निकाल दो। अब जो बची हुई है ना, जो बची हुई है वो लिखो,
तो क्या वो जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी में होगी कि नहीं होगी, ये आपने बताना है। लास्ट बार फिर बोल दूं कि कोई सिलेंडर है भाई, उस सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर है उसका 1/4 बाहर निकालो, जो बच जाए वो लिखो, तो क्या वो एपी होगी, तो वो बताना आपने। अब देखो यहाँ पर जो आपको प्रेजेंट में तो एयर माननी पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया उसमें एयर है कितनी, यहाँ पे आपको माननी पड़ेगी। अब मान लो आप एक्स वाई जेड 100 200 500 कुछ भी मान लो, पर मेरे लिए आपको समझाना आसान होगा, मैं 400 मान लूंगा। अब 400 ही क्यों मानना, आपको बात भी समझ में आ जाएगी और आपके लिए मैंने थोड़ा सा समझाना भी आसान हो जाएगा। तो मैंने मान लिया भाई कि सिलेंडर के अंदर शुरुआत में जो है ना 400 लीटर के आ भाई एयर है भाई, लेट प्रेजेंट एयर, प्रेजेंट एयर इन सिलेंडर बी, वो हमने मान लिया भाई 400 लीटर में, कि शुरुआत में जो है ना सिलेंडर के अंदर 400 लीटर एयर, आप कुछ भी मान लो, 500 मान लो, एक्स मान लो, वाई, यही क्यों मान ली, थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए। अब कहो कि अभी शुरुआत में जितनी भी एयर है ना उसका 1/4 आपको बाहर निकालनी है, तो 400 का 1/4, 400 का 1/4 कितना हो गया भाई, 100 बन गया नहीं, यानी आपने 400 में से 100 लीटर बाहर निकालनी है। अब जो बच जाए वो लिखोगे, कितने बच गई, 400 में से 100 बाहर निकाल दें तो आपके पास बच गई भाई 300 लीटर। और हर बार आपने जो है ना यही वाला प्रोसीजर अपनाना है, तो जो वो सीक्वेंस बनेगी वो एपी में होगी कि नहीं होगी वो आपने बताना। अब फिर अब इसमें ये एयर है ना, अब इसका 1/4 बाहर निकाल दो, 300 का 1/4 क्या बनेगा भाई, 4 28 और 2 30, 4 15 20, यानी 75 बाहर निकालनी है। अरे 300 का 1/4 तो आपका 75 बन गया ना, अब 300 में से 75 बाहर निकालो, कितनी बचेगी फिर, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पर बच गया 2, यानी उसमें बचेगी 225 220, यानी ऐसा करने से जो सीक्वेंस है ना वो आपकी ये बन रही है 400 300 225, यानी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी ये बनाओगी सीक्वेंस। और अब आपको बताना है ये एपी में है कि नहीं, देखो एक बार एपी में है कि नहीं, क्या सेकंड माइनस में फर्स्ट और थर्ड माइनस में सेकंड सेम है, देखना एक बार, सेकंड माइनस में फर्स्ट माइनस का 100 और थर्ड माइनस में सेकंड करना एक बार भाई, कितना बनेगा 225 माइनस में 300 यानी माइनस का 75, तो क्या सेम है, क्या नहीं है ना सेम, यानी ये जो प्रॉब्लम है वो एपी नहीं बनाती। 400 ही मैंने क्यों माना, क्योंकि जब मैं 400 का 1/4 निकाल लूँ तो पूरा पूरा कट जाए, उसके बाद वो वाली एयर आपको बाहर निकालनी है, यानी 400 में से 100 आपने बाहर निकाल दी तो आपके पास सिलेंडर में बच गई 300। फिर आपने वही प्रोसीजर अपनाना है कि जो बच गई ना, जो बच गई, देखो रिमेनिंग लिखा हुआ यहाँ पे, कि जो बच गई उसका फिर 1/4 बाहर निकाल लो, यानी 300 का 1/4 फिर पूरा पूरा कट गया, 75 बाहर निकालनी है, तो कितनी बच गई 225। ऐसा अगर आप मानोगे ना तो पूरा पूरा कट जाए, थोड़ा आपके लिए आसान हो गया प्लस माइनस करना। तो वो जो सीक्वेंस बनेगी उसमें जो सेकंड माइनस में फर्स्ट और थर्ड माइनस में सेकंड सेम नहीं आया ना, इसका मतलब लिख दोगे दिस प्रॉब्लम इज नॉट फॉर्मड इन एपी, ये जो प्रॉब्लम हो आपकी एपी नहीं बनाती। अब जिसका थर्ड पार्ट है ना भाई, ऐसा एक एग्जाम्पल है तो ये आप करोगे ट्राई, बाकी मैंने आपको सारे करवा दिए। हाँ अगर किसी को समझ में नहीं आवे तो मैं इसके ऊपर अपना नंबर लिख दूँ फिर, तो आप उस पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट में पूछ लियो भाई। और एक चीज़ मैंने आपको कई बार बोल ली, जिसको ये लगता है ना कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया भाई, और जो भी आपके साथी हैं ना चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो उसको भी ये बातें बोल दिया रहो कि सर ऐसे ऐसे आर डी शर्मा का मैथ पूरा पूरा करवाऊंगे, तो आपको अगर लगता है ना कि करना है तो एक बार उसके पास लिंक भेज कर फिर सब्सक्राइब करवा दिया करो, बाकी फिर उसके पास जो वीडियोज है ना वो अपने आप पहुँच जाएंगे भाई।
तो ये आपने जो 5.3 है ना, यहाँ से कंप्लीट आपने करनी है भाई, बाकी फिर कल करेंगे।